अकाउंट किसके रिस्पेक्ट में? सोल प्रोप्राइटरशिप के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या बोलता है? सिंगल ओनर होगा, ठीक है, उस वो अकाउंट जो बनाता है, और एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर फाइनल अकाउंट जब वो प्रिपेयर करता है, तो कैसे करता है, क्या अकाउंट बनाता है क्या नहीं बनाता है, वो देखते हैं अपन, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोड़ना नहीं है इसको। और इस चैप्टर को स्ट्रांग बनाने का एक ही ट्रिक है, क्या? आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, हाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। यू शुड ट्राई, एंड इफ यू फेसिंग सम डाउट प्लीज डू लेट मी नो, ठीक है, जब हम लोग क्वेश्चन सीख जाएंगे पूरे बनाने। ओके, देखो, 10 से 15 मार्क्स कैरी करता है। इसमें हम लोग क्या टॉपिक देखने वाले हैं? इंट्रोडक्शन देखेंगे पहले, कि फाइनल अकाउंट क्या है, फाइनल अकाउंट क्यों बनाया जाता है, किसके यूज़ में फाइनल अकाउंट आता है, ठीक है। फाइनल अकाउंट बनाते हैं उसमें कौन से अकाउंट का यूज़ होता है? देखो, ट्रेडिंग अकाउंट का यूज़ होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का यूज़ होता है, और बैलेंस शीट यूज़ होता है, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या बताता है? ट्रेडिंग अकाउंट, देखो, ट्रेडिंग अकाउंट हमको बताता है कि आपको ग्रॉस लॉस हो रहा है या ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है। देखो, ग्रॉस लॉस हो रहा है या ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है, किससे? बिजनेस से। या तो नेट प्रॉफिट हो रहा है या नेट लॉस हो रहा है, किससे? बिजनेस से। अब ग्रॉस लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट लॉस, ये क्या होता है? ये जब हम ना अकाउंट सीखेंगे तब इसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो, हमको पता चलता है क्या एक्सपेंस हो रहा है कि इनकम हो रहा है। भाई, बिजनेस कर रहे हैं, बिना इनकम के हम बिजनेस करना चाहेंगे क्या? नहीं, ठीक है। तो लेकिन एक चीज़ है भाई, बिजनेस है, एक्सपेंस, खर्चे भी होते हैं और क्या होता है, इनकम भी होता है। इट मीन ये कि आपके बिजनेस में क्या होगा, प्रॉफिट भी आपको देखने मिलेगा, लॉसेस भी आपको फेस करने मिलेंगे। यही तो बिजनेस है, ठीक है, जिसमें हमको बिजनेस करने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ एक्सपेंस करना पड़ता है, और उसके थ्रू हमको क्या होती है, इनकम होती है। रिजर्व, रिजर्व आपको मैं प्रीवियस लेक्चर में पूरा बता चुका हूँ, जब हम बेसिक्स ऑफ अकाउंट सीख रहे थे। रिजर्व मतलब क्या होता है? कुछ तो भी अमाउंट हम क्या करते हैं, सेव करके रखते हैं बिजनेस के लिए, कब? हाई टाइम पे वो क्या करे, हेल्प करे, ठीक है। हाई टाइम मीन्स कि जब हमारा बिजनेस कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा हो, लाइक दिस, है ना, तब हम क्या करेंगे, उस रिजर्व को यूज़ करेंगे, या तो कुछ एसेट्स है रिप्लेस करेंगे उसको, ठीक है, एसेट्स है, सॉरी, अकाउंट्स लिख दिया, एसेट्स है, ठीक है, उसको रिप्लेस करने में रिजर्व हेल्प करता है। बहुत सारे चीज़ों में रिजर्व हेल्प करता है, ठीक है। डिविडेंड बांटना हो, लेकिन वो तो कंपनी के केस में होगा, ठीक है। अकाउंटिंग रेशियो, ये आपको बच्चा लोग 12th में पूरा डिस्कस होगा। अकाउंटिंग रेशियो में क्या होता है? देखो, अकाउंटिंग रेशियो में ना हम लोग प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं, ठीक है, प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ये सब रेशियो होते हैं, ठीक है। ये सब ना क्या होते हैं पता है, रेशियोज होते हैं। इसके थ्रू हमको पता चलता है हमारा बिजनेस सही रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ें, देखो, अब फाइनल अकाउंट बोलते हैं किसको है, ठीक है, फाइनल अकाउंट बोलते हैं किसको। देखो, जब आप लोग ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, जब ये तीनों प्रिपेयर हो जाते हैं ना, इसको करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। अब हम कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखो, ये तो मैं बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो आपको क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस का पता चलता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तो आपको किस क्या पता चलता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता चलता है। बैलेंस शीट से हमें क्या पता चलता है? देखो, बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट से हमको क्या पता चलता है पता है, फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ बिजनेस, ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है हमको, ठीक है, ये पता चल गया। अब कुछ टर्म्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलो देखो, पहला देख लो,
सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, एक्सपेंस के बारे में। ठीक है, एक्सपेंस ऑलरेडी तुमको पता है, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है या तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ठीक है, दोनों में से कोई एक एक्सपेंस होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस या तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, अब समझते हैं बात को कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। देखो, ठीक है, देखना, ये आप हो, ठीक है, आपकी शॉप है एक, ये आपकी शॉप है। ठीक है, इस शॉप में आप सपोज स्टेशनरी का या तो भी कुछ, चलो पेंटिंग का आप वो कर रहे हो, मतलब आपकी पेंट की शॉप है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? सबसे पहले देखना, आप तो एक होलसेलर से आप क्या करोगे, टाई अप करोगे। ठीक है, होलसेलर, ठीक है, होलसेलर से क्या करोगे आप, टाई अप करोगे, जिससे क्या करोगे, आप अपने शॉप में क्या करोगे, गुड्स को इंपोर्ट करवाओगे। क्यों? गुड्स हो गया, ठीक है, क्यों? क्योंकि हमको क्या करना है, हमारी पेंटिंग की शॉप है, हम क्या करेंगे, कस्टमर को हमको सेल करना है। ठीक है, कस्टमर को हमको क्या करना है, सेल करना है। ठीक है, अब देखना, तो बिजनेस ये आपका है, ठीक है, ये आपका बड़ा सा बिजनेस है। इस बिजनेस में आप क्या करोगे, गुड्स इंपोर्ट कराओगे। अब गुड्स इंपोर्ट कराओगे, गुड्स इंपोर्ट कराओगे तो क्या होगा, आपका खर्चा होगा। कैसे? देखो, ट्रक्स आएंगे आपके शॉप में, ठीक है, इसके कुछ एक्सपेंस होंगे। ठीक है, गुड्स की ओरिजिनल कॉस्ट जो होगी उसकी वैल्यू आपको पे करनी पड़ेगी, किसको? होलसेलर को। ठीक है, अब एक पॉइंट याद रखना, ये आपका बिजनेस है ना, बिजनेस करते समय आपका जो मेन प्लेस ऑफ बिजनेस है, जैसे कि हमारे केस में ये है हमारा मेन प्लेस ऑफ बिजनेस, इस प्लेस में जितना भी खर्चा होगा लाने का, गुड्स बाय करने का, ठीक है, वो सारे खर्चे को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस बोलेंगे। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस बोलेंगे, समझे? एक्सपेंस क्या हुआ। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस किसको बोलेंगे, जब हम कस्टमर को सेल करेंगे ना, कस्टमर को हम जब सेल्स करेंगे, ठीक है, इस टाइम पे जो खर्चे होंगे ना उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आप बताओ, गुड्स में खर्चा करना या गुड्स को लाना, ये सब तो हमारे बिजनेस प्लेस से रिलेटेड है ना, तो इसको हम डायरेक्ट बोलेंगे। उसके बाद जब गुड्स के ऊपर खर्चे हो गए, सब चीज़ रेडी हो गया, उसको क्या करना है, हमको कस्टमर को सेल करना है। तो कस्टमर को सेल करते टाइम जो खर्चे होते हैं ना, उसको हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं, ये समझे ना। और यही नहीं कि सेल्स करते टाइम बस हो, और भी हो सकते हैं। बस एक चीज़ याद रखना, डायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं जो मेन प्लेस ऑफ बिजनेस में लाने तक जो खर्चा होता है गुड्स के ऊपर, वो सारे खर्चे आपके डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। ठीक है, एक्सपेंस समझ लिए ना क्या होता है, पहला टर्म। ठीक है, अब देखो, एक होता है क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, और एक होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये तो आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो डे टू डे से रिलेटेड नहीं है, जो डे टू डे खर्चे से रिलेटेड नहीं है, उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। एग्जाम्पल ले लो, क्या पता है, देखो, आप मशीन बाय करोगे, ठीक है, मशीन आप बाय करोगे या एसेट्स बाय करोगे, तो ये जो खर्चे होते हैं,
ये जो एक्सपेंस होते हैं ये वन टाइम होते हैं, ठीक है, ये वन टाइम एक्सपेंस होते हैं और ह्यूज अमाउंट में होते हैं, ठीक है। तो ये किससे रिलेट करता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और आप मेरे को बताओ, आप जब किसी भी बिजनेस में पैसे लगाते हो, किसी भी चीज़ में लगाते हो, तो वो अमाउंट जो वो एसेट्स होता है, सामान होता है, वो तो बिजनेस का हो जाता है ना, तो उसका कैपिटल ट्रीट होने लगता है वो, समझे ना। अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर सिंपल है, जो डे टू डे आपके जो खर्चे होते हैं ना, डे टू डे एक्सपेंस जो होते हैं ना, रिवेन्यू मतलब दिनचर्या, ठीक है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर डे टू डे क्या होते हैं? एक्सपेंस होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि आपको स्टेशनरी का सामान मंगवा लेना हुआ, या तो आप जिस कस्टमर को, जिस आप व्हीकल से, या फिर आपका जो ट्रक है जिसमें आप सामान लोड करके भेजते हो, उसमें कभी खराबी हो गया, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये आपका हो गया रिवेन्यू एक्सपेंडिचर डे टू डे से रिलेटेड, समझे ना। एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ये समझ लिए हम लोग ने कि फाइनेंशियल स्टेट। हाँ एक चीज़ देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम प्रिपेयर कर रहे हैं क्या? ट्रेडिंग अकाउंट को, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसमें एनालिसिस ऑफ रेशियो होता है, ठीक है, और बहुत सारी डिटेल्स होती हैं कि पोजीशन फाइंड आउट करते हैं, तो ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आते हैं। उसमें से हम एक पार्ट को करेंगे, वो क्या है? हमारा फाइनल अकाउंट है, ठीक है बच्चा लोग। ये था आप लोगों का फाइनल अकाउंट का थोड़ा सा बेसिक इंट्रो और थोड़ा सा थ्योरी, ठीक है। अब पता करते हैं कि फाइनल अकाउंट हेल्प किन को आता है और इससे हम क्या नॉलेज गेन करते हैं, ठीक है। देखो फाइनल अकाउंट, सबसे पहले तो हमको ये पता है क्या, ये ओनर बनाता है, मतलब ये ओनर के लिए बनता है, बिजनेस के लिए, ठीक है। ओनर पहला चीज, ओनर हो गया प्लस और किसको यूज़ आता है? ये मैनेजमेंट टीम को यूज़ में आता है। मैनेजमेंट टीम समझती है कि हाँ प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, पोजीशन क्या है, ये पता चलती। दूसरा क्या है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको पता चलता है, उस हिसाब से वो क्या करते हैं, हमको नॉलेज बताते हैं, ठीक है। मतलब देखो फाइनल अकाउंट आप बनाए, फाइनल अकाउंट आप बना रहे हो, तो आप पक्का कोई ना कोई अकाउंटेंट रखे होगे, या मैनेजमेंट जो टीम रेडी कर रहा है फाइनल अकाउंट, ठीक है, वो पता करता है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, जब पीएनएल बनेगा तब पता चलेगा, ठीक है। तो वो सब जानने के लिए ही हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो यूज़ कौन कौन कर रहा है? देखो ओनर भी यूज़ कर रहा है, मैनेजमेंट भी यूज़ कर रहा है, एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ वही डाटा कलेक्ट कर रहे हैं सब अकाउंट्स के, ठीक है। मतलब ये बेसिकली नहीं है कि ये इन्हीं का काम है, ये एक बात है कि ये सब इंफॉर्मेशन एक जगह कलेक्ट होती है, ठीक है, और फिर उससे रेडी होता है क्या? फाइनल अकाउंट, ठीक है, उससे क्या रेडी होता है? फाइनल अकाउंट। अब भाई एम्प्लॉयज़ का काम क्या है? एम्प्लॉयज़ का काम ये है कि आप पता लगाओ सेल्स हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब। मैनेजमेंट डायरेक्टिंग क्या करता है? जो सेल्स करवा रहा है उसको मैनेज कैसे करना है, हाँ भाई ये करो वो करो भेजो, टेम्पो जा रहा है इधर, लेट हो रहा है, कुछ तो भी ऐसा कर रहा है मैनेजमेंट टीम। ओनर क्या करता है? ओनर चेकआउट करता है, हाँ मेरा बिजनेस है चल रहा है, नहीं चल रहा है, मैनेजमेंट रन कर रहा है, नहीं कर रहा है, एम्प्लॉय हेल्प कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, किसको बाहर निकालना है, नहीं निकालना है, सब। ये हो गया आपका क्या? फाइनल अकाउंट। अब पता चला कि फाइनल अकाउंट किनको यूज़ में ला रहा है, ठीक है। अब फाइनल अकाउंट ये, और ये जितने यूज, ये अपन के ये जितने यूज़र हैं ना, ये कौन से यूज़र हैं पता है? ये हमारे हो गए इंटरनल यूज़र, इंटरनल इंटरनल यूज़र हैं ये हमारे। अब एक्सटर्नल यूज़र भी होंगे, हाँ देखो एक्सटर्नल यूज़र ऐसे होते हैं, एक्सटर्नल यूज़र, एक्सटर्नल यूज़र कैसे होते हैं? देखो एक्सटर्नल यूज़र में भाई बैंक, सबसे पहले तो बैंक क्यों, रीज़न बताता हूँ। देखो बिजनेस है, लोन की भाई ज़रूरत पड़ती है, हम बैंक के पास जाते हैं लोन मांगते हैं, तो बैंक लोन क्यों देगा?
सबसे पहले वो हमारे स्टेटमेंट चेक करेगा, तभी तो वो लोन देगा ना भाई। हमारी कैपेबिलिटी है कि नहीं कि हम पे कर सकें कि नहीं कर सकें, पहला चीज़। दूसरा, क्रेडिटर, हम अगर बिजनेस कर रहे हैं तो कभी तो भी हमारे को उधारी में सामान लेना पड़ेगा, तो उधारी में लेंगे तो भाई पहले वो बोलेगा ना, भाई क्या भरोसा आप पे कर पाओ ना या ना कर पाओ, भाई कुछ तो भी प्रूफ दो, स्टेटमेंट चेक कराओ हमको, तब हम आपको क्या करेंगे, लोन देंगे। अगर लोन सामान देंगे तब तो हम ट्रेड करेंगे भाई, ऐसे ही थोड़ी ट्रेड कर लेंगे सामान के बिना, ठीक है। अब अगला देखो, और क्या हमें और किसके किसके यूज़ में आ सकता है भाई, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हो गई, ठीक है। पब्लिक को, पब्लिक तो मेन है, पब्लिक को ही तो पता करवाना है हमको, इन्हीं को तो सेल करना है, ठीक है। और गवर्नमेंट बॉडी हो सकते हैं, गवर्नमेंट बॉडीज़ हो सकते हैं हमारे, ठीक है, गवर्नमेंट बॉडी हो सकते हैं, अथॉरिटी, और ये सब के लिए हम स्टेटमेंट यूज़ में लाते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनल अकाउंट पूरा। अब आपको मैं ये बता दे, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि फाइनल अकाउंट में जो हम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे क्या है। देखो, हम पहला तो भी ट्रेडिंग अकाउंट क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, फिर प्रिपेयर करना सीखेंगे, देन हम पीएनएल में जाएंगे, देन हम पीएनएल अकाउंट में, देन हम किस में जाएंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे, ठीक है, देन बैलेंस शीट में, ठीक है। अब देखो, जो ट्रेडिंग है ना, ये क्या है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, मतलब पूरा नॉमिनल नेचर का रूल लगेगा, ठीक है, नॉमिनल नेचर का। ये पीएनएल तो आपको पता है, ये तो नॉमिनल नेचर का ही अकाउंट है। ऑल प्रॉफिट एंड लॉसेस आर क्रेडिटेड, ऑन प्रॉफिट एंड लॉसेस आर क्रेडिटेड, एंड गेन एंड लॉसेस ए एंड ऑल प्रॉफिट एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, ऑल लॉसेस आर डेबिटेड, ओके। और बैलेंस शीट से क्या, फाइनेंशियल पोजीशन बताएंगे हम, फाइनेंशियल पोजीशन, जिसमें हम क्या पता करेंगे, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ बताएंगे, ठीक है। ये आपको तो बेसिक में ही पता चल गया था पूरा। अब देखो, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट क्या, ट्रेडिंग अकाउंट में ना बच्चा पार्टी, हम ना जो हमारी बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होगी ना, क्या करना, परचेस करना, गुड्स परचेस करना, ठीक है, और डायरेक्ट एक्सपेंस होगा गुड्स परचेस करेंगे तो, ये आपको तो पता ही है, ठीक है। गुड्स एक्सपें गुड्स बाय करेंगे हम बेचने के लिए, तो कुछ तो भी खर्चा होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या होता है, हम सेल्स करेंगे, ठीक है, सेल्स करेंगे किसको, कस्टमर को, सेल्स करेंगे किसको, कस्टमर को। ये सब क्या हो गया, बिजनेस, ये यही तो हमारा बिजनेस है ना, और बिजनेस का सारी एक्टिविटी हम किस में काउंट करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में काउंट करेंगे, ठीक है। अब देखो, और भी तो हो सकता है, क्या हो सकता है, हम जो परचेस करें हैं, या तो हम उस चीज़ को रिटर्न भी तो कर सकते हैं, तो परचेज रिटर्न हो गया तो भी हम किस में नोट करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में, या तो सेल्स रिटर्न हो जाता है कभी, हम ही कस्टमर ही कभी हमको क्या करता है, हमारे गुड्स को वापस कर देता है, पसंद नहीं आता तो, ठीक है। और कुछ तो भी हो सकता है, हाँ देखो, बिजनेस है, ऐसा तो नहीं है कभी कंपलसरी कि भाई हम जो गुड्स बाय करें वो 100% पूरा सेल हो जाए, कुछ तो भी अमाउंट पहले का बचा रहेगा, तो उसको हम किस नाम से ट्रीट करेंगे, ओपनिंग बैलेंस बोल देंगे, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस। और ये भी कंपलसरी नहीं है कि सारे गुड्स निकल जाएं लास्टली लास्ट में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कई कई बार क्लोजिंग स्टॉक बोल देते हैं, या क्लोजिंग, हाँ क्लोजिंग स्टॉक ही बोलते हैं, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग बैलेंस है, आप क्या कर सकते हो, इसको डिनोट कर सकते हो, ठीक है। ये था आपका ट्रेडिंग अकाउंट का थोड़ा सा इंट्रो, कि हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीज़ देखेंगे, ठीक है। अब प्रॉफिट है, हाँ एक चीज़ और, ट्रेडिंग अकाउंट से हम ऊपर में देखे थे क्या फाइंड आउट हो रहा है, हम इससे हम पता लगा रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, ये हमको ट्रेडिंग अकाउंट से फाइंड आउट हो रहा था। अब देखो क्या देख रहे हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या हो रहा है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट से इनडायरेक्ट एक्सपेंस जितने भी होंगे, डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है,
या तो भी स्टेशनरी का खर्चा, जितने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करोगे। प्लस एक नोटिस की बात ये है, जो ग्रॉस प्रॉफिट और जो ग्रॉस लॉस का बैलेंस आएगा ना, वो आपको शो करना है किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये आपका ट्रांसफ़र हो जाता है किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और क्या आएगा, देखो भाई, बैड डेब्ट हो गया, कभी पैसा कोई नहीं दिया हमको हमारा डेटर, ठीक है, डेप्रिसिएशन आएगा, डेप्रिसिएशन, ठीक है। और क्या आ सकता है, आप लोग बताओ कुछ तो भी। स्टेशनरी के खर्चे वो इनडायरेक्ट में पूरे काउंट हो गए, बैड डेब्ट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, न्यूज़पेपर कभी कभी हम बाय करते हैं, ऑयलिंग एक्सपेंस, ये सब जितने भी छोटे मोटे खर्चे सब प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में आएगा, ठीक है बच्चे लोग, ये समझ लिए ना। अब इससे क्या हमको फाइंड आउट होगा, इससे हमको फाइंड आउट होगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हमको पता चलेगा, जो क्या होगा, हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है, बैलेंस शीट में देखो ये एसेट्स होता है हमारा और इधर लाइबिलिटी होती है, ठीक है। यहाँ पर एक टर्म आएगा कैपिटल, कैपिटल, नेट प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में जाके वो क्या होगा, ऐड होगा, नेट लॉस हुआ तो वो कैपिटल में जाके क्या होगा, लेस होगा। ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर करनी करनी है, ठीक है। अब देखो बैलेंस शीट में हम क्या शो करेंगे, एसेट्स जितने भी हैं, मशीन हो गया हमारा, ठीक है, मशीन हो गया, कैश कुछ बचा होगा, क्लोजिंग बैलेंस बचे होंगे, तो ये सब हमारे एसेट्स में जाएंगे। प्लस एक चीज़ बात, लाइबिलिटी में क्रेडिटर, लोन, जितने भी हमारी उधारी होगी सब इसमें नोट होगा, ठीक है। ये था बच्चा लोग आपका फाइनल अकाउंट का पूरा इंट्रोडक्शन का पार्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डील करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट के बारे में, और ट्रेडिंग अकाउंट में पोस्ट करेंगे, समझेंगे पूरा ट्रेडिंग अकाउंट की होता क्या है, और ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब तक के लिए बच्चा पार्टी हम यहीं तक रखते हैं लेक्चर को, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज़ इफ़ यू आर फेसिंग एनी डाउट डू लेट मी नो, एंड बाय। तब तक के लिए ध्यान रखना अपना, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर तो कर ही देना, ठीक है। हाँ एक बात और, ये लेक्चर जो है बीकॉम भी प्रिफर कर सकता है, क्योंकि बीकॉम फर्स्ट ईयर में पूरा फाइनल अकाउंट है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।